क्यों आया रिएक्ट और क्या समस्या सॉल्व की रिएक्ट ने, क्यों आखिर आज रिएक्ट इतना ज्यादा फेमस है। बिना हिस्ट्री को समझे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, करियर का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए समझते हैं कि आखिर रिएक्ट की हिस्ट्री क्या है। देखो 2010 की बात है जब एंगुलर जेएस आया था, लोग पागल थे बिल्कुल एंगुलर जेएस के लिए। लेकिन हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि एंगुलर जेएस की अपनी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भाई उसके परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत आ रहे थे। जैसे एंगुलर जेएस आया और जितना उसने आसान बनाया फ्रंट एंड में एसपीए लिखने को, उसके जो मैजिकल फीचर्स थे उसके कारण उससे लोग ज्यादा कोड लिखने लगे, ज्यादा कुछ फ्रंट एंड पे होने लगा। जैसे मैंने बताया था आपको, टीम, स्लैक जैसे बहुत सारे एप्स एंगुलर जेएस में लिखे जाने लगे। और जितना ज्यादा आप कोड लिखते, जितना ज्यादा आप डेटा यूज करते, उतना ज्यादा आपका ऐप स्लो हो जाता। तो इसके रिस्पांस में एंगुलर जेएस टीम ने क्या कहा कि यार हम एंगुलर 2 बनाते हैं, पर एंगुलर 2 एंगुलर जेएस यानी एंगुलर 1 को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, फिर से सब कुछ नया लिखना पड़ेगा। और लोग गुस्सा गए। ऐसे टाइम पर रिएक्ट आता है और रिएक्ट बोलता है कि देखो मैं बहुत सारी चीजें नई कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें बहुत मजेदार कर रहा हूं, एंगुलर जेएस से तुम्हें जो भी शिकायतें हैं वो सब हम दूर करेंगे। और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि देखो एंगुलर जेएस आया था गूगल के टीम से, लेकिन गूगल खुद एंगुलर जेएस यूज नहीं करता था। तो इसलिए लोगों को बहुत गुस्सा था इस चीज को लेकर। पर रिएक्ट के साथ क्या था, रिएक्ट को फेसबुक ने अपने नीड्स, अपनी जरूरतों के लिए बनाया था और फेसबुक को बहुत सारा डेटा यूज करना पड़ता था फ्रंट एंड पे। फेसबुक अपने टाइम का बहुत अच्छा वेब ऐप है। फेसबुक ने वेब पे उस समय 2010, 2012, 2015 के टाइम पर अगर आप रिएक्ट की हिस्ट्री में जाओगे आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर फेसबुक ने बहुत बड़ा बैक मोबाइल वेब पे लिया था। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब मोबाइल आया तो बहुत लोगों ने कहा कि हम तो मोबाइल एप्स बनाएंगे। फेसबुक ने कहा कि नहीं, हम मोबाइल वेब एप्स बनाएंगे। इसके लिए फेसबुक ने उसी टाइम पर ग्राफक्यूएल में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया था कि मोबाइल में हम वेब और ग्राफक्यूएल को लेकर बहुत ही सीमलेस और अच्छे एक्सपीरियंस बनाएंगे। तो फेसबुक जो है बहुत डबल डाउन कर रहा था वेब आर्किटेक्चर के ऊपर। तो फेसबुक ने कहा कि देखो अगर अच्छे प्रैक्टिसेस से कोड लिखना है तो पूरा का पूरा सिस्टम लो, पूरा का पूरा क्रिएट रिएक्ट ऐप लो और उससे ऐप बनाओ। ये सब चीजें काफी रिवॉल्यूशनरी थी क्योंकि अगर आपने रिएक्ट का कोड देखा भी नहीं था, अगर आपको कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है पता भी नहीं था, तो भी ये बहुत बड़े डिजाइन डिसीजंस थे फेसबुक की तरफ से। उसके बाद फेसबुक ने क्या बोला, फेसबुक ने बोला देखो मैजिक वैजिक ज्यादा नहीं करते, ये जो बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो है कि इधर अपडेट करो तो डेटा अपडेट हो जाता है, डेटा अपडेट करो तो उधर अपडेट हो जाता है, भैया ये सब नहीं करेंगे, हम यूनिट डायरेक्शनल डेटा फ्लो रखेंगे। क्यों, इसके बारे में बहुत चीज समझाया था फेसबुक ने कि देखो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं चीजें, जैसे जैसे फ्रंट एंड पर स्टेट्स बढ़ते जाते हैं, तो अगर हम बाई डायरेक्शनल गेम खेलेंगे तो हमें उस चीज को अपने माइंड में रीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं तो उस कोड को समझता कौन है, उस कोड को डीबग कौन करता है, उस कोड में फीचर कौन रन करता है, कौन ऐड करता है, इंसान, ह्यूमन जिसको हम लोग डेव बोलते हैं, वो देव तो है नहीं, है तो इंसान ही। तो ये जो डेव है इसको कोड समझना, कोड को माइंड में रीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस चीज पर रिएक्ट ने बहुत प्रेशर दिया कि हम डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखेंगे, हम चीजों को कंपोनेंट में, छोटे छोटे कंपोनेंट में बांटेंगे, हर कंपोनेंट एक सेल्फ कंटेन्ड रिपीटिंग यूनिट होगा, हर चीज फंक्शनल होगी, बहुत साफ सुथरा होगा हर कुछ। एक सेकेंड रुको, कमेंट में मुझे बताते जाना कि तुम कौन सा फ्रेमवर्क सीख रहे हो, व्यू, एंगुलर या रिएक्ट। लेकिन इसके साथ परेशानी आई, एक डेवलपर को बहुत कुछ लर्न करना पड़ा यार, एकदम से तुम्हें ES6 लर्न करना पड़ा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग समझना पड़ा, वेब पैक समझना पड़ा, उसके बाद आपको कंपोनेंट आर्किटेक्चर समझना पड़ा, उससे आपका मन नहीं भरा तो फ्लक्स इतना कॉम्प्लेक्स है जिसको सिंप्लीफाई किया गया तो रिडक्स बना। पर इन सबके पीछे डैन अब्रामोव, एंड्रयू क्लार्क जिन्होंने रिडक्स लिखा, या रिएक्ट टीम का यही लॉजिक था कि जितना ज्यादा आप कोड को ढंग से लिखोगे, जितना उसको आप अंडरस्टैंडेबल बनाओगे, उतना इजी होगा बड़े कोड को डीबग करना और बड़े कोड में फीचर ऐड करना, रीजन कर पाना कोड को। और ये सच में हुआ, मैंने तो खुद इतने बड़े बड़े रिएक्ट कोड बेसिस पे काम किया है। इतने अच्छे से आप चीजों को स्ट्रक्चर करते हो, जितने अच्छे से आप रिडक्स को लिखते हो, उतना आसान हो जाता है आपके लिए एडिशनल फीचर करना। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है, यही मैं हमेशा कहता हूं कि यहीं पर चैट जीपीटी मार खाएगा। एक छोटू सा, प्यारू सा, क्यूटी सा ऐप लिखना बहुत आसान है, किसी के लिए भी बहुत आसान है, एक चैट जीपीटी के लिए तो
वो भी मुश्किल है, लेकिन चलो GPT-4 वहां तक पहुंच जाएगा। बट मुश्किल तब होती है जब आपके पास 10,000 लाइन का, 50,000 लाइन का, 1,00,000 लाइन का कोड बेस होता है और आपको उसको रीजन करके उसमें डीबग करना पड़ता है, उसमें फीचर समझने पड़ते हैं। और ये जो डीबग होता है ना, स्टैक ओवरफ्लो की गलतियां नहीं होती है जो गूगल से मिल जाती है, चैट जीपीटी से मिल जाती है, नहीं, ये गलतियां होती है लॉजिक के अंदर। ये गलतियां ऐसी होती है जिसमें आपको यूजर बिहेवियर कुछ और चाहिए था और मिल कुछ और रहा है। कहीं पे कलर ब्लू होना था, कहीं पे वन होना था, कहीं पे टिक होना था, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टेट को डिस्पैच किया है वो सही से नहीं किया है। ये सब चीजें रिएक्ट सॉल्व करता है, साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके कारण हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्स आज वेब पे यूज कर पाते हैं जो एक टाइम हम डेस्कटॉप पर ही यूज कर पाते थे और जिनके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स लगते थे। आज कोई भी कुछ महीने रिएक्ट सीख के एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता है रिएक्ट और रिडक्स से। इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ जिसके बारे में हम आज थोड़ी बात करते हैं और फिर विस्तार से कभी और बात करेंगे, कि ये जो कॉम्पोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बना, इसमें हर कॉम्पोनेंट एक सेल्फ यूनिट था UI का। तो आपको क्या, अगर आपको एक हेडर लगाना है, आपने एक हेडर बना लिया, उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है उसी हेडर के अंदर है। आपको सेक्शन बनाना है उसके अंदर है, आपको कुछ भी बनाना है आप एक कंपोनेंट बना सकते हो उसको, और उस कंपोनेंट को आप रीयूज कर सकते हो। वो पूरा का पूरा लॉजिक अपने आप में एक बक्से में बंद रहता है और उसको आप कहीं भी रख सकते हो और वो एक जैसा काम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम ये नहीं कर पाते थे। जब हम पहले ये करने जाते थे तो परेशानी होती थी कि भैया इसको हम कैसे रीयूजेबल बनाएं। बहुत सारे तरीके थे, बहुत मुसीबतें थी उसकी, लेकिन रिएक्ट ने उसको भी बहुत आसान किया। और रिएक्ट से भी लोगों को बहुत परेशानियां हैं थी। क्या परेशानियां थी? सबसे बड़ी परेशानी रिएक्ट से ये थी कि रिएक्ट ये नहीं बोलता कि आप HTML को कहां रखो, CSS को कहां रखो, JavaScript को कहां रखो, लॉजिक को कहां रखो। यानी रिएक्ट आपको एक तरीका नहीं बताता। रिडक्स बहुत हद तक कुछ तरीके बताता है, लेकिन फिर भी वो एक फुल फ्लेज्ड आर्किटेक्चर और एक क्लियर पाथ नहीं देता है। तो आपके पास क्या है, चॉइसेस हैं। चॉइसेस आर गुड, बट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, फॉर अ न्यू डेवलपर, फॉर एन इनएक्सपीरियंस टीम, इट बिकम्स हार्ड। इस टाइम पर ही Angular 2 आया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, Angular पे से लोगों का भरोसा काफी हद तक उठ चुका था। एक और फ्रेमवर्क आया, Vue.js। Vue.js 2014 में इवान यू लेकर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिएक्ट की जो परेशानियां थी ना, और मजेदार बात है कि इवान यू भी गूगल टीम से ही थे, तो उन्होंने क्या किया, Angular.js की बड़ाइयां ले आए और React.js की शिकायतें दूर करके जो उनकी बड़ाइयां है वो ले आए। तो क्या किया इन्होंने, व्यू बहुत ही प्यारा फ्रेमवर्क है। मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट बहुत ही प्यारा फ्रेमवर्क है, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है। आपको HTML कैसे लिखना है, आपको CSS कहां लिखना है, आपको JavaScript कहां लिखना है, सर्विसेज कैसे करने, बहुत प्यारा सा। और जो फंक्शनल परेशानियां थी, जो परेशानियां थी कि भाई ज्यादा डेटा होता है तो बहुत स्लो हो जाता है ऐप, व्यू उसको भी सॉल्व कर देता है, वो प्रॉब्लम को भी नहीं रहने देता है। और जो परेशानियां थी कोड मेंटेनेबिलिटी की, कोड लॉजिक की, कोड रीजनिंग की, जो रिएक्ट ने सॉल्व की थी, वो व्यू भी सॉल्व करता है, क्योंकि व्यू में भी वही कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, व्यू में भी स्टेट को रीजन करना समझना बहुत आसान है। इतना ही नहीं, रिएक्ट में एक समस्या लोगों को बहुत सारी थी और अभी भी है, जो जैसे कि अगर आप वेटरन डेवलपर हो तो आपको इतना टेंशन नहीं होता क्योंकि आपको इससे परेशानी नहीं होती, बट रिएक्ट में जब आप जावास्क्रिप्ट HTML लिखना चाहते हो, कुछ रिपीट करना चाहते हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट के मैप फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, ये सब यूज करने पड़ते हैं। जबकि बहुत सालों से जो तरीका चला आ रहा है इस चीज को, इन चीजों को करने के लिए, वो है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट्स यूज करते थे पहले भी। व्यू ने बोला भाई हम ये सब, ये जो पूरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का झोला झमेला है, हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम HTML के अंदर JavaScript, JavaScript के अंदर HTML मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने बड़े सिंपल चीजें के, जैसे ngif डायरेक्टिव था एंगुलर का, उसी तरह के डायरेक्टिव्स व्यू जेएस टेम्पलेट में उठा के ले आया और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया यार व्यू को बनाना, मतलब VUE वाला व्यू नहीं, VIEW वाला व्यू। और जो JSX से जो परेशानी थी लोगों को, जो थोड़ा उससे एक अनइजीनेस लगता था और लगता है और होना भी चाहिए, वो भी व्यू ने दूर कर दिया। तो व्यू एक बहुत अच्छा ऑप्शन रेडी हुआ, जिनको रिएक्ट पसंद है वो रिएक्ट करें और जिनको व्यू पसंद है वो व्यू करें। बड़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां व्यू पे काम करती हैं और बड़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रिएक्ट में काम करती हैं, और जो जिस इकोसिस्टम में खुश है, क्योंकि इन दोनों ही इकोसिस्टम में आज के टाइम पे बहुत सारे सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यू में मिलेगा रिएक्ट में नहीं मिलेगा, रिएक्ट में मिलेगा व्यू में नहीं मिलेगा। हाँ, रिएक्ट का एक फायदा बहुत बड़ा हो जाता है कि रिएक्ट में रिएक्ट नेटिव भी है, तो उससे आप मोबाइल एप्स भी बना सकते हो, और बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टेड है इन दोनों चीजें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में था, हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था React प्लस React Native में, ताकि हम कोड को रीयूज कर सके Microsoft के लेवल पे। इसलिए बहुत सारी कंपनीज या तो Vue.js में रहती हैं या React
रिएक्ट में रहती हैं, इसलिए नहीं कि कौन बेटर है, Vue.js बेटर है या रिएक्ट बेटर है। इस बीच में एंगुलर 2 ने भी वापस से काफी ग्राउंड ले लिया है। बहुत सारे लोग एंगुलर 2 यूज करते हैं, छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनीज तक। क्यों? क्योंकि एंगुलर 2 में बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी है, बहुत स्ट्रक्चर है, बहुत डिसिप्लिन है, और कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है कि यार मुझे पता है मेरे को ये कोड किधर लिखना है, उधर ही लिखेगा मैं। मुझे पता है कि एंगुलर 2 में भी आज के टाइम पे परफॉर्मेंस वाइज रिएक्ट, व्यू और एंगुलर में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ही बहुत परफॉर्मेंट है। तो जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको पुराना स्टाइल अच्छा लगता है टेम्पलेट वाला बढ़िया वाला, वो व्यू यूज करता है। जिसको रिएक्ट इकोसिस्टम अच्छा लगता है वो रिएक्ट यूज करता है। और जिसको एक बहुत डिसिप्लिन्ड और पावरफुल अप्रोच चाहिए, क्योंकि एंगुलर जेएस के अप्रोचेस बहुत पावरफुल है, वो एंगुलर जेएस यूज करता है। और तीनों में कोई बुराई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कोई भी यूज कर सकते हो। पूरे दो वीडियो में हमने यही समझा कि जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं, ये तीनों फ्रेमवर्क इवॉल्व हुए हैं, और अब ये तीनों फ्रेमवर्क कम से कम 10 साल से यहां पर हैं, तो ये कहीं जाने वाले नहीं है। तीनों फ्रेमवर्क अच्छा काम कर रहे हैं, और भी नए फ्रेमवर्क आए हैं, बट इन तीनों में से आप कुछ भी चूज करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि जहां आपके लोकेलिटी में जो ज्यादा जॉब्स हो, जैसे मैं रिएक्ट इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि रिएक्ट के जॉब्स ज्यादा मिलते हैं स्टार्टअप्स में, इसलिए अगर आपको मान लीजिए आप अहमदाबाद में हो और वहां एंगुलर बहुत यूज हो रहा है, तो फिर मेरी बात सुनकर रिएक्ट मत सीखो, एंगुलर सीखो, जॉब ले लो। हिस्ट्री सुनना, कहानियां सुनना, केस स्टडी समझना अच्छा लगता है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जो आपकी वेब डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी करेंगे।